चलो ठीक, देखो तो आवर्धन पढ़ते हैं। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने पहले कुछ शुरुआती लेक्चर में कवर किया था, याद है कि नहीं है, जहाँ पे हम पढ़े थे समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के बारे में। फिर यहाँ पे डिटेल्स अलग से पढ़ा रहा हूँ मैं, ओके। इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो कोई ये S2 क्या होता है, S2 देख लो, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इमेज की हाइट या इमेज की साइज, और H1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, इसके फॉर्मूला में ही डेफिनेशन है। डेफिनेशन कोई टफ नहीं है, डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टाइप में ये एग्जाम में आ जाता है। बोलेगा कि आवर्धन को परिभाषित कीजिए, तो ये परिभाषा लिखोगे, क्लियर हो गया ना, डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो बोलोगे इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा ऊपर होता है हाइट ऑफ इमेज, नीचे होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और इसको इस तरह एनसीईआरटी में इस तरह लिखा गया है अपने स्टैंडर्ड बुक में, लेकिन कुछ बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है। तुमको ये ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आई से इमेज होता है, वो से ऑब्जेक्ट होता है, तुमको ज़्यादा ये पसंद आएगा। लेकिन एनसीईआरटी कौन सिंबल यूज़ किया, ये तो हम लोग यही यूज़ करेंगे, एस टू बाई एच वन। एस टू हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, इमेज की हाइट, और एच वन हो जाएगा ऑब्जेक्ट की हाइट, ओके। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई, क्लियर हो गया। परिभाषा कोई टफ नहीं है। अब बताओ ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, मीटर में यही होगा, मीटर में यही होगा, तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होगा। देखते रहना वहाँ से लिखा है क्या ना, यहाँ पे लिखा है ना, देख लेना उसमें है ना, इसकी कोई यूनिट, तो इसका ऐसा ही मात्रक नहीं है। मैं लिख रहा हूँ कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है। लिखोगे कि आवर्धन जो है वो क्या है, आवर्धन एक आवर्धक मात्रक हीन है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। कोई भी समान रेशियो का, समान अनुपात का क्वांटिटी होगा ना, सेम रेशियो का क्वांटिटी होगा, तो उसका कोई यूनिट नहीं, हाँ कोई मात्रक नहीं है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यू में, कोई दिक्कत किसी को, हाँ कुछ एक्सेप्शन भी है, आगे पढ़ोगे, ओके। चलो आवर्धन का मैंने कि इसका कोई यूनिट नहीं है, ओके। मैं लिख देता हूँ इट इज़ यूनिटलेस, बस लिख देता हूँ, लिखा हुआ दिख रहा है क्या नीचे, और आएगा मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, हैज नो यूनिट, या बोल सकते ये यूनिटलेस होता है, क्या होता है नीचे ना आएगा, और आएगा यहाँ उंगली दिख रहा है, वाह इतना अच्छी बात है। चलो एक और बात सुनो, ये तो हो गया क्लियर, कोई डाउट किसी को, एम के बारे में छोटी सी पॉइंट लिख दिया कि इसका कोई यूनिट नहीं। अब ये बताएगा क्या, ये बताएगा कि इमेज कितना बड़ा बना, कितना बड़ा बना, साइज को तुमको कंपैरिजन करेगा कि ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज की हाइट क्या है, कितना गुना ज़्यादा है ये बताएगा, या कितना गुना कम है ये बताएगा, कौन बताएगा, आवर्धन, क्लियर हो गया। अगर एच और एच एस टू का वैल्यू एच वन के बराबर हो जाए, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो, सेम हो, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। पढ़े ना हम लोग समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में एच टू और एच वन यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है, पढ़े ना, तो उसकी प्लेन मिरर की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू प्लस वन, हाँ प्लस की प्लस साइन बताऊंगा अभी, इमेज वर्चुअल होता है। अब एक और केस में पढ़ रहे थे कि अवतल दर्पण के केस में, यानी कॉनकेव मिरर के केस में इक्वल साइज का इमेज बनता है, याद है कौन केस में, बताओ, जब सी पर रखा जाता है, जब सी पर रखा जाता है तो सी पे ही बनता है, ओके। तो उस केस में एम का वैल्यू माइनस बनाएगा, क्योंकि रियल इमेज है ना, तो वन आ सकता है, वन कब, वन का मतलब हुआ अभी साइन को बाद में देखते हैं, पहले ही देख लो कि वन तब आएगा जब एस टू एच वन का वैल्यू क्या हो, सेम हो, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो, तो एम की वैल्यू वन आएगी, प्लस वन आएगी माइनस वन आएगी, वो तो डिपेंड करता है कि कैसा इमेज है, मैंने नेचर क्या है, प्लस माइनस नेचर को बताएगा, प्रकृति को बताएगा। अब जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात वहाँ पर बताता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छा से, ओके। साइन को मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी इसका बिना साइन की बात कर रहा हूँ, बिना साइन के, ठीक है जी। एम की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब हो गए, जब इमेज बने ही नहीं, जीरो की बातें नहीं करेंगे फिर, है ना, वन से बड़ी भी हो सकती है, वन से छोटी भी, सो रही हो, वन से बड़ी भी हो सकती है, वन से छोटी भी हो सकती है, अब वन भी हो सकती है, वन होगा जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। वन से बड़ा होगा कब, वन से बड़ा कब होगा बता दो, वन से बड़ा कब होगा, जब एस टू बड़ा होगा, एच वन बड़ा हो, एस टू बड़ा, इमेज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट छोटा होता है, वन का एम का वैल्यू वन से, तो कभी भी एम का वैल्यू मैं लिख दिया, एम का वैल्यू मैंने लिख दिया टू, क्या लिख दिया
इसका मीनिंग क्या है बता दो। पहले साइन मत देखो, साइन बाद में बताएंगे। साइन का मतलब प्लस रहेगा तो वर्चुअल इमेज यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब, और माइनस रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। क्लियर? वो साइन पे आते हैं। पहले ये बताओ कि एम का मोड लगा देते हैं, मोड का मतलब कि साइन को अभी दिख नहीं रहा, साइन मोड मतलब प्लस कर देता है। तो मैं बोला एम का वैल्यू 2 है, इसका मीनिंग क्या हुआ? कौन बड़ा है, इमेज बड़ा है कि हाइट बड़ा, ऑब्जेक्ट बड़ा है? इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से। कितना गुना बड़ा है? दो गुना। अगर ऑब्जेक्ट 10 है तो इमेज कितना होगा? कंफर्म है, ये ना हुआ मतलब। और इमेज 5, ऑब्जेक्ट 5 है तो इमेज कितना होगा? 10। क्लियर हो गया? तो एक से बड़ा वैल्यू ये बताएगा तुमको कि इमेज बड़ा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है। क्लियर हो गया ना? और अच्छा, एम का वैल्यू मैंने लिख दिया 1/2। कितना लिख दिया? 1/2। बताओ, अब बताओ यहाँ पे इमेज बड़ा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है? कभी भी बोलो ना तो हमेशा इमेज साइड से बात करो। किस साइड से बात करो? तो बोलो इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे इमेज बड़ा है, बोलो इमेज का हाइट इस है, उंगली देखो मेरा, उंगली देखो, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट का दोगुना बड़ा है ना। अब यहाँ बोलो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा है, हाफ है। क्या समझ आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट, अगर इमेज अगर 10 है तो ऑब्जेक्ट 20 होगा, आधा ना। इमेज अगर 20 है तो इमेज, ऑब्जेक्ट अगर 20 मीटर का हाइट का है तो इमेज जो है तुम्हारा 10 मीटर के हाइट का होगा। मतलब समझ आया? तो ये एम क्या बताएगा तुमको? एम क्या बताएगा? एम बताएगा कि इमेज कितना गुना बड़ा ऑब्जेक्ट की तुलना में, कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, या कितना गुना छोटा या बराबर है, ये बता सकते हैं। H1 H2 का वैल्यू समझ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ पॉइंट, लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिखूँ क्या, यहीं पर लिखूँ कि अगर, इफ मैं लिख रहा हूँ, अगर एम का वैल्यू 1 से बड़ा हो, मोड लगा रहा हूँ। मोड का मतलब क्या हुआ समझे? मोड का मतलब हुआ कि साइन को अभी कंसिडर नहीं कर रहा है, साइन को कंसिडर नहीं। मोड मतलब होता है कि माइनस भी प्लस कर देगा वो, ठीक है ना। मोड का मतलब हुआ कि चिन्ह को हम नहीं ले रहे हैं, चिन्ह के हिसाब से। अगर मान लो मैं तुमको बोलूँ कि एम का वैल्यू -1/2 था, तुम कहोगे कि सर ये माइनस है, ओके ये बड़ा है छोटा है। माइनस का मतलब हुआ कि रियल इमेज, क्या मतलब? पहले वही लिख देता हूँ, वो बड़ा छोटा बाद में कह लेता हूँ। ओके सुनना अच्छा से, अगर एम का वैल्यू प्लस में है, किस में बताओ? एम की वैल्यू प्लस में है तो प्लस का मतलब हुआ, प्लस मतलब पॉजिटिव है ना, प्लस मतलब पॉजिटिव, तो इमेज कैसा होगा बताओ? तो इमेज होगा वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज? हिंदी में आभासी प्रतिबिंब, दिख रहा है क्या लिखा हुआ? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोला जा सकता है। क्या सब क्लियर हो रहा है पूरी तरह? आभासी प्रतिबिंब क्लियर हो गया? एक और नीचे आएगा। चलो एम का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव मतलब क्या होगा? धनात्मक, और नेगेटिव मतलब इमेज कैसा होगा? रियल इमेज होगा। रियल इमेज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत किसी को? हाँ दिख रहा है जी, पूरा कटना नहीं चाहिए। ओके कोई डाउट किसी को? आप कहोगे सर ऐसा क्यों, वर्चुअल इमेज रियल इमेज? सोचो ये बोला था ऐसा प्लस माइनस क्यों आ गया? ए सुनो रे, हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं? जब 6 केस बनाए थे अवतल दर्पण में तो ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखे थे। ऑब्जेक्ट के हाइट को H1 बोलोगे तो H1 तो प्लस होगा। तो रियल इमेज क्या होता था? ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगा। रियल में उल्टा हो जाता है, ऊपर है तो रियल इमेज का इमेज कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगा, याद है कि नहीं है? और वर्चुअल इमेज एक केस में बना था अवतल दर्पण में, याद है 6 केस में, तो उसमें क्या था? ऑब्जेक्ट भी ऊपर रखे थे, इमेज भी ऊपर बना, तो ऊपर बनेगा तो हाइट के लिए ऊपर प्लस लेते हैं, नीचे बनता तो सिंपल बात है। वर्चुअल इमेज में H2 अगर प्लस है तो H1 भी क्या रहेगा? तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस ही होगा। प्लस 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 क्या होता है? क्लियर होगा ना? और अगर मान लो कि रियल इमेज है तो रियल के इमेज के केस में इमेज तो नीचे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर लोगे तो इमेज, याद है कि नहीं? ये ऊपर है तो ऐसे बनता था, याद है कि नहीं है? तो ये H1 प्लस और H2 माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? आप समझ आया? तो जितने केस पड़े थे रियल इमेज में, 5 केस पड़े रियल इमेज बना था, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब, तो उसमें देखोगे कि वस्तु ऊपर लियो तो इमेज कहाँ बना है? नीचे बना है। सभी केस में तुम्हारा H1 पॉजिटिव है लेकिन H2 क्या है? नेगेटिव है। ओके तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? इसलिए नेगेटिव का मतलब रियल इमेज। क्लियर हो गया? अब पॉजिटिव मतलब, क्लियर वो बात क्यों लिए प्लस माइनस, समझ आया? अब रीजन समझ में आ जाने, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात की, सुनो।
अगर m की वैल्यू, अब मोड लगा देते, अब साइन की बात तो हो गई, अब आप खाली वैल्यू की बात करें, किसकी बात करेंगे, वैल्यू की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे, साइन की बात हो, चिन्ह की बात हो गई। अगर m का वैल्यू जैसे मैं लिख दूं, सुनो, m का वैल्यू लिख दो माइनस टू, क्या लिख दो, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बताएगा, रियल इमेज की वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, कौन इमेज, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है, ठीक है। और बताओ बड़ा है कि छोटा है इमेज, माइनस से छोड़ो ना, माइनस साइन तो बता ही दिया, माइनस का मतलब हुआ कि रियल इमेज, माइनस प्लस यही बताएगा, लेकिन अब माइनस को छोड़ दो, अब टू वैल्यू है, बड़ा बड़ा है कि छोटा है, कौन बड़ा है, इमेज बड़ा है, क्लियर हो गया, इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है, दो गुना बड़ा है, क्लियर हो गया अच्छा से, अरे क्लियर हुआ, चलो एम का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ चार, बताओ प्लस चार लिख दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, बताओ जोर से बोलो, इमेज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है, वर्चुअल सीधा बनता है ना, याद है कि नहीं है, सीधा बनता है, तो वर्चुअल इमेज क्लियर हो गया, अब बताओ इमेज बड़ा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज कितना गुना बड़ा है, हमेशा किसकी तरफ से बात करोगे, इमेज की साइड से कि ऑब्जेक्ट की साइड से, हमेशा पहले इमेज बोलोगे, इमेज बोलोगे बड़ा है या इमेज छोटा होगा तो बोलेंगे इमेज छोटा है, बस इतना बोलेंगे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, क्लियर हो गया। चलो एम का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, एम का वैल्यू लिख रहा हूँ माइनस वन बाय एट, बताओ जल्दी बताओ, रियल इमेज की वर्चुअल इमेज, जल्दी जोर से बताओ, आवाज नहीं आ रहा, कौन इमेज, निगेटिव मतलब रियल इमेज, निगेटिव मतलब, क्लियर हो गया। और उसके अलावा बताओ कितना गुना है इमेज, इमेज कितना गुना है, बड़ा है कि छोटा है, इमेज छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, एक से कम है ना, तो छोटा है, ये तो बताया कि रियल इमेज है, वन बाय एट है, यानी कि इमेज बहुत छोटा है, कितना गुना छोटा है, वन बाय एट टाइम्स है, इमेज ऑब्जेक्ट का वन बाय एट टाइम्स है, अगर ऑब्जेक्ट 80 होगा तो ये 10 होगा इमेज, कैसे भैया, वन बाय एट टाइम्स है, वन बाय एट टाइम्स, कोई डाउट किसी को, समझाया, तो एक से ऊपर वाला छोटा रहेगा ना, समझ आना, ऊपर वाला छोटा रहेगा, समझना इमेज छोटा है, ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो इमेज बड़ा है, क्या समझे, बहुत आसान है। तो इसलिए माइनस साइन प्लस साइन की बात तो कर ली है, अब बात करते किसकी, वैल्यू की, किसकी, अगर m1 का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि s2 जो है वो h1 से क्या है, बड़ा है। क्या सही लिखा, गलत लिखा, अगर आवर्तन का मान 1 से यानी 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से क्या होगी, बड़ी होगी, क्लियर हो गया, इफ द मैग्निफिकेशन हैज ग्रेटर देन 1 वैल्यू, ओके, देन द हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अब दूसरा केस देखो, m की वैल्यू, मोड क्यों लगा रहे हैं, समझ रहे हो, डंटा, मोड का मतलब कि हम माइनस को कंसीडर, प्लस माइनस हमारा क्या बताएगा, केवल नेचर बताएगा, प्रकृति बताएगा, ठीक है ना। अब बताओ m का वैल्यू अगर 1 से छोटा है, बदलिए बताओ क्या होगा, कौन छोटा होगा, s2, अब बड़ा नहीं बोलो, अब हमेशा इमेज साइड से बोलो, s2 छोटा होगा, क्लियर हो गया। चलो और अगर मोड m का वैल्यू 1 हो जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि s2 बराबर होगा, सबको समझ में आ गया, अरे समझा, चलो एक बार बोलो, चलो आवर्धन के बारे में परिभाषा पढ़ो जोर से, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये समान राशि का अनुपात है, ओके। उसके बाद m पॉजिटिव अगर होगा, आवर्धन का मान प्लस में होगा तो आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज, m नेगेटिव होगा तो रियल इमेज, प्लस माइनस खाली हमको बताएगा कि वर्चुअल है कि रियल है। उसके अलावा m का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो कह देंगे कि प्रतिबिंब बड़ा है और वस्तु छोटा है, और m का मान 1 से कम हो गया, प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु बड़ा है। हमेशा पहले प्रतिबिंब बोलोगे, पहले वस्तु बोलोगे, हमेशा प्रतिबिंब साइड से बात करेंगे। उसके बाद m का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब ऊंचाई है, वस्तु ऊंचाई, चलो नोट करो इसको, छोटे छोटे पॉइंट पर नोट करो, चलो।